चैनल, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चे को नहलाना कैसे है। मैं आपको बेसिक टिप्स शेयर करने वाली हूँ पूरे वीडियो में, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और आज का ये वीडियो किसी मोमेंट पे आपको अच्छा लगा हो और पसंद आता हो, कुछ आपके भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में जो न्यू मॉम है उनके साथ आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे लिए जीतू मेरा पहला बच्चा है, तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। और मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने जीतू को नहलाया था तो मैं बहुत डर डर के नहलाती थी। हार्डली मुझे एक महीने तो लगे थे सब कुछ सीखने में, एडजस्ट करने में। धीरे धीरे सब कुछ मैं समझ गई, सीख गई। तो मैं जो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी, ताकि मेरे इस वीडियो के थ्रू जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है, उनको फ़ायदा हो जाए। 5 डिफरेंट तरीके से नहाने का मैं तरीका बताऊंगी, बिना किसी खर्च किए हुए या फिर बिना किसी टब के हेल्प से। आजकल तो हर ब्रांड के अलग अलग टब भी आ गए हैं कॉस्टिंग वाइज। तो बिना, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, नेचुरली बच्चे को नहलाया जाता था, तो उन्हीं तरीके से मैंने भी जीतू को नहलाया है। मैंने टब लिया हुआ है जीतू का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 का है, जो मैंने डीमार्ट से लिया था। बट ऐसे ही कि जीतू थोड़ा पानी से खेलेगा, बट वो ऐसे ही रह जाता है। महीने में अगर 2 से 3 बार जीतू नहाया तो ठीक है, नहीं तो नेचुरल वे में नहाता है और उससे में उसको मज़ा आता है। अपने डर पे कंट्रोल करके मैंने जीतू को नहलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे करके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि न्यू बेबी जो होते हैं ना उनकी बोन्स बहुत ही लचीले होते हैं, नेक स्टेबल नहीं होता है, होल्ड करने में नहीं बनता है। इनफैक्ट नहलाने के टाइम पे डर लगता है कि किस तरीके से उन्हें होल्ड करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक हो जाती है। तो गाइस, सबसे पहला तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। गाइस, सबसे पहले मैं जीतू को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये सारे वीडियो क्लिप्स तब के हैं जब जीतू बड़ा हो गया है, तो इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा है, उसको ऐसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बहुत हेल्प किया है उसने मुझे ये सारे वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है गाइस। और यहाँ पर ना न्यू बॉर्न बेबी को नहाना बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से मैंने जीतू को नहलाया जब वो छोटा था, तो उसका हेड वॉश इसी तरीके से करती थी। इस तरीके से ना शैम्पू आइज़ में नहीं आता है, और छोटा बच्चा रहता है ना तो आराम से नहा लेता है, भले थोड़ा रोता है, तो आपको ना उसे बातें करते रहना है, गाना गाते रहना है, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और अच्छे से नहा लेता है। ये वाले मेथड से आप नहला भी सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी बॉडी गीली हो जाती है। फिर ये सेकेंड तरीका है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो भी पैरों में भी पायल पहनती हूँ, पहले मैं नहीं पहनती थी क्योंकि बच्चे को चुभ सकता है। तो ये वाले पोजिशन में ना, अभी जीतू बड़ा हो गया है तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा, आप देखोगे बार बार बैठ रहा है उठ रहा है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है जीतू को लेकर, उसको रिक्वेस्ट करूँ कि बेटा प्लीज़ नहा ले। सब्सक्राइबर्स क्या सोचेंगे, व्यूअर्स क्या सोचेंगे, खैर कोई नहीं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी, तो वो ना आपके पैरों से लिपट जाते हैं, तो आपको नहलाने में बहुत ही आसानी मिलती है। और सबसे अच्छा तरीका ना, एक मग पानी है, एक कटोरी पानी उनके हाथ के पास में रख दो, वो उससे खेलते रहेंगे और आप उनको नहला सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है, बट इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पहले के दोनों मेथड से आराम से 0 से 3 मंथ्स तक के बच्चे को नहलाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं यहाँ पे मिमी का बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं यही करती हूँ। ये वाला तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बट इसमें जब बच्चा बैठने लगे ना तभी आप इस तरीके से नहलाएं, बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है और आप भी अच्छे से बच्चे को नहला सकते हैं, बच्चा इंजॉय करता है। अगर बच्चा 3 महीने 4 महीने का है तो आप इस तरीके से अगर नहलाते हैं स्टूल पर बिठा के, तो ध्यान दीजिएगा कि 30-60 डिग्री का एंगल बना के बच्चे को बैक में सपोर्ट दीजिएगा, थोड़ा बेंड करके नहलाइएगा। इससे क्या होगा ना, बच्चे पे के कमर पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा भी बैठना नहीं सीखता है। फिर और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब भी बच्चे को आप इस तरीके से नहला रहे हैं बिठाकर, तो बकेट, जिस बकेट में आपने पानी भरा हुआ है उस बकेट को उसके बैक साइड में लगा दीजिए। कभी कभी बच्चा ना नहाने के टाइम पे ना पीछे की तरफ जाता है, तो गिरने का चांस नहीं रहेगा या फिसलने का चांस नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ों से ना हमें बच के रहना और ध्यान देते रहना। फिर यहाँ पर मैं ना बहुत अच्छे से जीतू का फेस क्लीन कर देती हूँ, आइज़ वगैरह, ईयर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर हेड वॉश करना है ना, थोड़ा सा उसको बैक साइड 30 डिग्री पर बेंड करके फिर हेड वॉश कर देती हूँ। और अब ना जीतू का पानी से फेयर बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर उसको थोड़ा सा मस्ती करने देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए बकेट में डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे ना हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ नहाने के लिए, तो उसको बकेट में भी डाला तो कोई इशू नहीं है। और अभी तक टिल डेट मैं जीतू को बाथरूम में ही स्पॉन्ज करके बाहर निकालती हूँ। एक बड़ा सा ये फर वाला जो टॉवल होता है ना, यही मैं इस्तेमाल करती हूँ स्टार्टिंग से ही। इससे अच्छे से बॉडी पुछ जाती है, फिर उसी में रैप करके फिर मैं जीतू को
बाहर निकालती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरी बॉडी ड्राई हो चुकी होती है, ईयर्स भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और फिर बाहर निकालती हूँ, तो बॉडी अच्छे से वाइप हो चुकी होती है ना, तो बाहर जैसे बाथरूम का जो टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर, कभी कभी नासिक में बहुत ठंडी हवा चलती है, अगर गैलरी खुला है, फ़ैन चल रही है, तो वो ना ठंडा लगने लगा। मैं खुद कैसे मैंने चीज़ों को हैंडल किया वो अकेले रह के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को किस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि पैर पे बिठा के हम आराम से नहला सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, उसमें हमारी बॉडी गीली नहीं होती है। आप चाहे तो नाइट गाउन पहनकर नहला लो, फिर आप चेंज कर सकते हो, जैसा आपके ऊपर है, आप कन्वीनियंट फील करते हो वैसे कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका है, जब बच्चे बैठने लगते हैं तब कैसे नहलाएंगे, तो आराम से वो तो और अच्छे, और जैसे जैसे बच्चे डेवलप होते हैं ना, नहलाना बहुत इजी होता चला जाता है। और ये जो तरीका है ना, वो न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल के बच्चे तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट है। ये मैं जब नासिक आई थी रहने के लिए और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी मेड ने जीतू को वैसे ही नहलाया, तब से मैं सीखी। इसमें ना पूरा बॉडी पार्ट अच्छे से क्लीन हो जाता है, और इसके बाद थोड़ा सा मसाज कर दिया बच्चे को, तो बहुत ही अच्छी नींद आ जाती है। बस मिस इसमें कि बच्चा अच्छे से नहा लेता है, बाकी सारे प्रोसेस में ना हर बॉडी पार्ट्स क्लीन नहीं हो पाता है, जैसे कि अपना ये वाला पार्ट हो गया, नेक ये वाला पार्ट, ईयर्स के पीछे हो गया, नोज हो गया, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक का एरिया हो गया, गर्मी का टाइम है तो नेक का एरिया, थाइस का एरिया, प्राइवेट पार्ट, तो ये सब कुछ क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो तरीका है ना, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस वाले स्टेप में साफ अब बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी के हर एक पार्ट क्लीन हो जाते हैं, और ना बच्चे को नहलाना भी आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा कि बच्चे बहुत अच्छे से नहा लिया है। तो इसमें क्या है ना कि ये भी आप नहाने के बाद भी कर सकते हो, आप खुद नहाने के बाद कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो, बट इसमें बेसिकली आपको नाइट गाउन पहनना पड़ेगा। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेथड रहा है। जीतू का 1 साल कंप्लीट होने तक मैंने उसे ऐसे ही नहलाया है आराम से। इस तरीके से ना आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक के बच्चे को नहला सकते हैं। इसमें ना बच्चे का सिर जो है आपके पेट के पास होना चाहिए, और इस तरीके से एंगल बनाकर ही जीतू बच्चे को नहलाना है। इसमें क्या ना, जब भी आप पानी डालेंगे ना तो आराम से पानी पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपकी बॉडी पूरी गीली हो जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि नाइट गाउन के पहनकर आप नहला लीजिए, फिर आप चेंज कर सकते हैं। और इस मेथड से ना पूरा बॉडी पार्ट अच्छे से क्लीन हो जाता है, पैर, हाथ, अंडर आर्म, सब कुछ, आईज, नोज, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब बारी आती है हेड वॉश कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बताऊंगी। वैसे जीतू यहाँ पे रो रहा है, रीज़न है क्या कि जीतू बड़ा हो गया तब मैंने ये सारे वीडियो क्लिप्स निकाले हैं, आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया ही आप लोगों से। तो इस तरीके से नहलाने वाले इस वीडियो से ना मेरे जीतू के सारे बचपन वाले दिन रिकॉल कर लिए, जब कैसे मैं उसे नहलाती थी, और जीतू ने बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक्स जीतू को, बहुत सारा थैंक्स, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। लेकिन यहाँ पे बच्चे रोते हैं, नो डाउट बच्चे नहाने में रोते हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपका तरीका सही होना चाहिए। दिल पे पत्थर रख कर बच्चे का रोना इग्नोर करके बच्चे को अच्छे से नहलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रंट बॉडी पार्ट अच्छे से क्लीन करने के बाद बच्चे को इस तरीके से पलट देना है, और फिर बैक साइड से आप हेड वॉश कर सकते हैं और बच्चे को नहला सकते हैं। लास्ट है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, तो फिर क्या करता है, तो वो अपने हिसाब से नहाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकते। तो अब मैं तो जीतू को बकेट के हेल्प से ही नहलाती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेड वॉश करना होता है तो नॉर्मली जैसे हम लोग हेड वॉश करते हैं वैसे ही करती हूँ, तो अब वो इन्जॉय करता है, उसका पानी का जो फोबिया है, डर है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कभी हफ्ते में मन हुआ अगर तो टब में भी मैं नहला देती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं गुनगुना ही पानी मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। गर्मी का टाइम है तो नॉर्मल पानी से नहाता है, और ठंडी का टाइम है, बारिश का टाइम है, तो गुनगुना पानी से। आजकल जी तो ऐसे ही नहाते हैं, तो टब में मैं पानी रखती हूँ, गुनगुना पानी, उसको खेलने देती हूँ, मिमी का थोड़ा बॉडी वॉश डाल देती हूँ, वो फोम क्रिएट होता है ना, तो उससे जी तो खेल लेता है, जब उसका मन भरता है तभी मैं उसको नहलाती हूँ। साइड में बकेट में यहाँ पे मैंने फिर से गर्म पानी लिया हुआ है, जब जीतू का खेलना हो जाता है, थोड़ा देर छोड़ देती हूँ 10 मिनट के आसपास, तब तक मैं मेरा बाकी का काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से उस जो बकेट में मैंने पानी लिया वो इसलिए रखती हूँ कि जब उसको बाहर निकालूँ ना तो फिर उसको अच्छे से नहला दूँगी, क्योंकि सारा गंदगी तो टब में ही जाएगा ना। और यहाँ पे ना जीतू का वैसा हो गया ना कि मुझे छोड़ दो, तो मुझे छोड़ दो पानी के साथ, पूरे दिन पूरे रात उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुद ही नहा लूँगा, मैं खुद ही सब कुछ काम कर लूँगा, ये सब आप उसके दिमाग में थॉट आने लगा है। तो यहाँ पे ना वो बदमाशी करता है, चिड़चिड़ करता है जब मैं उसको नहलाती हूँ, तो खैर कोई नहीं,
तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ सब कुछ, और फिर उसको नहा कर निकाल देती हूँ, और फिर से उसको अच्छे से एक बार जो फ्रेश वाटर है उसे नहला देती हूँ, और पानी को उसी टाइम पे मैं फेंक देती हूँ, और जो उसका टब है ना उसको क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि पानी तो गर्म होता है तो हाथों से ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ फिर रख देती हूँ। इस तरीके से टब ना हमेशा क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बच्चे का कोई भी सामान ना गंदा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरी आदत है कि जीतू को नहलाने के बाद ना मैं बाथरूम में ही अच्छे से उसका बॉडी ना वाइप कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, फिर उसको बाथरूम से बाहर निकालती हूँ। इससे ना जब तक मैं उसको बाहर निकालती हूँ उसकी बॉडी ड्राई हो चुकी होती है, फिर मुझे बॉडी मसाज करने में भी कंफर्टेबल हो जाता है, और बाहर का क्लाइमेट में ना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो पहले क्या था ना, जब मैं उसको नहाकर निकालती थी ना तुरंत, तो वो कांपने लगता था। तो जब से मैं ऐसा काम कर रही हूँ ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सर्दी वगैरह भी कुछ नहीं होता, आराम से सब कुछ कम्फर्टेबल वे में हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आता हो और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड हो सके तो प्लीज़ न्यू मॉम को जरूर शेयर करना, उनको बहुत फायदा हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड।